जहां पर ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 6 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, बाजार सज गए हैं, मंदिरों में भी साज सज्जा चल रही है, वहीं घरों में भी कान्हा के स्वागत के लिए जमकर खरीदारी की जा रही है। बाजार में भगवान श्री कृष्ण के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र और झूले आए हैं। घर में जैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और बहुत सारे बैलून, डेकोरेशन के आइटम, फ्लावर से, और क्या कहते हैं, फ्लावर की लड़ियाँ हुई, गेंदे के फूल हुए, गुलाब के हुए, काफी सारे फ्लावर उसी चल रहा है बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। अच्छा, बंधन के अकॉर्डिंग जन्माष्टमी काम ठीक ठाक है। और नई नई ड्रेस आई है, देख सकते हैं आप, एक प्रकार के छोटे से लेके बड़े तक है। 200 से झूला ले रखा है अपने लिए, और घर में सजावट चल रखी है, और यहाँ भी बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं काम। हमारे हिंदुओं का त्यौहार पूर्वों से चला आ रहा है, हमारा हिंदू त्यौहार बहुत बढ़िया है। जन्माष्टमी भी अच्छा त्यौहार है, कैसे ठाकुर जी का बाजार में वही जो पुराना है रेट वही चला आ रहा है। उसमें तरह तरह के झूले हैं, तरह तरह के ड्रेसेस हैं, और प्रतिमाएं हैं, और उसके श्रृंगार का सामान है, एक से एक बढ़िया ड्रेस तैयार करके रख रखी है। ये लटूरिया महाराज आश्रम, ये अति प्राचीन आश्रम है, 125 साल से ऊपर हो गया है इसे, और श्री लटूरिया महाराज जी ने स्थापित किया था। तो हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी दोनों बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, और झूला खरीद रहे हैं, मिठाई लेंगे, और क्या होंगे भगवान को मतलब अच्छे से सजाएंगे, फिर अपने घर में ले जा रहे हैं, यही है क्या।